रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सूर, पानी गए न ओगरे मोती मानस चूर। पानी कहने को तो दो अक्षरों का शब्द है, लेकिन इसकी महत्ता हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आपने अक्सर ये तो सुना ही होगा कि जल ही जीवन है, पर क्या कभी आपने इस पर अमल भी किया है? क्या जल की रक्षा भी हम अपने जीवन की ही तरह करते हैं? क्या जल को भी हम उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी अपने जीवन को? यकीन मानिए, इन सवालों के जवाब आपके पास ना में ही होंगे, और अगर हम आज पानी को लेकर जागरूक नहीं हुए तो वो दिन भी दूर नहीं जब हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी भी पानी के लिए तरस जाएगी। पूरे विश्व में 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के तौर पर विश्व भर में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी विश्व जल दिवस के दिन दिल्ली में एसोचैम ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और कुछ कृषि संबंधित कंपनियों जैसे कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, जैन इरिगेशन आदि के सहयोग के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में कई नामी कंपनियां मौजूद रही। लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत दीपक जलाकर की गई। जल की महत्वता को समझाते हुए धानुका एग्रीटेक के ग्रुप चेयरमैन राम गोपाल अग्रवाल ने कहा कि खेती के लिए जल की काफी अधिक मात्रा में जरूरत होती है। ऐसे में किसानों को जल संरक्षण के तरीके सीखने चाहिए। इन्होंने कहा, किसान रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके काफी जल बचा सकते हैं। साथ ही अपनी कंपनी की उपलब्धियों के बारे में भी बताया कि कैसे पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए धानुका ने बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को चुना। यूएन ने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इंडिया में इस बात की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं थी। हमने श्री अमिताभ बच्चन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर लिया, जो पानी के ऊपर जिनकी पंच लाइन है कि आप पानी बना तो नहीं सकते लेकिन पानी बचा जरूर सकते हैं। इसी कैंपेन को लेते हुए हम पूरे देश में करीबन 200 स्कूलों में बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन कराते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। उन पेंटिंग्स को फिर हम अपने कैलेंडर में यूज़ करते हैं, और पूरे इंडिया में एक कैंपेन हमने चलाया हुआ लोगों के बीच में कि पानी की बचत करें, पानी का मिसयूज़ ना करें, वरना भविष्य में हमारे बच्चों के लिए पानी नहीं बचेगा। फार्मर बहुत अच्छे तरीके से वाटर रिजर्व अपना इकट्ठा कर सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज उसका खेत है, अगर वो अपने खेत में जैसे एक तालाब बना ले तो उसमें पानी वो इकट्ठा कर सकता है, और वो पानी बहने के नदी में जाने की बजाय अगर वो अपने खेत में इकट्ठा तालाब बना के करता है तो उसके काम आएगा, सिंचाई के काम आएगा, और उसके ट्यूबवेल भी चार्ज होंगे। तो इसलिए आज ज़रूरत है, हमारा नारा है खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में। सम्मेलन में मौजूद जैन इरिगेशन सिस्टम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र मखीजा ने कहा कि किसानों को कम पानी में अच्छी फसल उगाने के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही इन्होंने कहा कि जैन इरिगेशन सिस्टम किसानों को एकीकृत कृषि के समाधान देती है, जिससे कि वो पानी की बचत कर सके। Agriculture is the elephant in the room as far as water is concerned, because it consumes almost 80% of available water. And now we have the new initiatives from the Prime Minister like Make in India and 100 Smart Cities. So there's a very large competing demand from other sectors. And this 80% consumption of water in agriculture sector is a luxury which can't continue. So there is going to be more pressure on the agriculture sector, and unless the farmers learn to conserve water, learn to produce more with less by using technology, by using innovations, by simple systems. First of all, I think it starts with initially making attempts to store water. So
दे शुड गो विद द प्रिंसिपल दैट मेरे गांव का पानी मेरा पानी है, विच मींस दैट यू डू नॉट अलाउ द वाटर टू रन ऑफ. सो ट्राई एंड स्टोर एज मच वाटर एज पॉसिबल इन द फील्ड, इन द कम्युनिटी पॉन्ड्स, and use that water for irrigation purpose, for sanitation, for hygiene purpose. And then what all water is available, they must make every effort to use in the most efficient manner. गंदा पानी आज के समय की एक मुख्य समस्या है. गंदा पानी हमारे नदियों और नहरों में जाकर उन्हें दूषित कर रहा है. कार्यक्रम में मौजूद एसोचैम के अध्यक्ष डॉक्टर एचपी सिंह ने बताया कि अगर हम गंदे पानी को रिसाइकल कर ले और पानी में से गंदगी निकाल ले तो वो पानी भी हमारे कितने काम आ सकता है. पानी वेस्ट नहीं है, बल्कि उसमें जो गंदगी फैली है उसको निकाल दिया जाए, जिसको कि हम रिसाइकलिंग करते हैं. ऐसे पानी को रिसाइकिल किया जाए, इंडस्ट्री से पानी निकलता है उसको रिसाइकिलिंग किया जाए. जो पानी गंदे पानी हमारे नदी और नाले और इन सब में जा रहे हैं उसको गंदे पानी को नहीं जाने दिया जाए, उसको भी ट्रीट कर दिया जाए, जिससे ये रिसाइकिल वाटर को भी हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं. जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो अभी क्या करते हैं हम कि खेत को पानी डालते रहते हैं. खेत को डालने से हमारा क्रॉप भी अच्छा नहीं होता है. तब हम उनको कैसे पानी डालें जिससे कि पौधे को मिले. इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि बूंद बूंद से हमें फसल उगाना है, तो उससे भी हमारी सेविंग होगी. जल संरक्षण में रिसर्च की भूमिका को समझाते हुए कार्यक्रम में मौजूद इंसेसिव रिसर्च के निदेशक करण बब्बर ने बताया कि किसान वेदर फोरकास्टिंग जैसी तकनीक की मदद से फसलों की सिंचाई कर आसानी से जल का बचाव कर सकता है. वाटर इज अ इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन इंडिया एंड वी हैव टू मैनेज दैट इफेक्टिवली. The current session of water management strategy has highlighted what all features and what all things that have should be deployed in water management techniques, what like drip irrigation and other major techniques. So like what all the big data techniques should be used in order to forecast forecast how forecast can help crops irrigation. So that's it. You know, it was a very informative session. कार्यक्रम में मौजूद स्काईमेट कंपनी के प्रमुख नलिन रावल ने वेदर फोरकास्टिंग जैसी टेक्नोलॉजी का कृषि में इस्तेमाल कर जल बचाने की बात की. इन्होंने कहा कि किसानों को वेदर फोरकास्टिंग की जानकारी होनी चाहिए जिससे किसान पहले से पानी को स्टोर करके रखे. इस तरह से ये मौसम चेंज हो रहा है और उससे किसानों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि किसान को सही समय पे पता चल पाए कि इस बार मौसम किस प्रकार जा रहा है. उसमें वो दो तरीके से काम कर सकता है कि अगर मान लीजिए संभावनाएं कम रेनफॉल की है तो वो वाटर कंजर्वेशन के सिस्टम बना सकता है, पॉन्ड्स बना सकता है या किसी तरह प्रिजर्व कर सकता है, और उसके साथ ही वो सही फसलों का चयन कर सकता है. अगर फसल चेंज नहीं हो सकती है तो अपनी सही वेराइटी का चयन कर सकता है और उसके बेसिस पे और वो मॉनिटर कर सकता है. अब टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी लेवल्स के साथ शॉर्ट टर्म फोरकास्ट बता सकती है. नेक्स्ट 7 डेज़ का, नेक्स्ट 7 दिन में क्या होने वाला है उसके विलेज में, जो कि हर दिन अपडेट होता है, उसके बेसिस पे वो अपने ऑपरेशंस को काम कर सकता है, यूज़ कर सकता है. अगर उसको पता है कि अगले 5 दिन में पानी आने वाला है तो वो अपना इरिगेशन को रोक सकता है जिससे कि अपने पानी को प्रिजर्व करे, और जिस समय पानी ना बरसे और क्रॉप को रिक्वायरमेंट हो उस समय उसके जरिए वो सिंचाई कर सकता है. आज जल संरक्षण में कहीं ना कहीं हर जगह अनुशासनहीनता देखने को मिलती है. ऐसा कहना था कार्यक्रम में उपस्थित सरिता बिहार हरित क्रांति के अध्यक्ष जेएस सलूजा का. सलूजा ने कहा कि खेती में पानी का काफी ज्यादा वेस्टेज होता है. पानी को खेतों में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे पानी की बर्बादी होती है. वाटर कंजर्वेशन के बारे में हमारा दो ओपिनियन है. एक तो ये कि जो वेस्टेज होता है सप्लाई लाइन में जो जाती है, लीकेजेस वगैरह होते हैं वो. दूसरा जो इरीगेशन करते हैं वो उनके सब एक बार पाइप छोड़ दिया बेहतर रहता है. हमने उनसे कहा कि स्प्रिंकलर्स लगाइए, ये ड्रिप इरिगेशन करिए, जिस तरह से हमने दुबई में देख के उनको डिज़ाइन भी दिया बना करके, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं बना के डिज़ाइन बोल रहे हैं इंप्लीमेंट करेंगे. कल भी मीटिंग थी, आज फिर मीटिंग डीसी के यहाँ यही थी कि हाउ टू कंजर्व वाटर. अनफॉर्चुनेटली
शायद मेरे ओपिनियन से ये है कि व्हाट वी आर लैकिंग टुडे इन वाटर कंजर्वेशन इज इनडिसिप्लिन एवरीवेयर, वेदर इज ए पब्लिक, वेदर इज ए एग्जीक्यूटिव, वेदर इज ए पॉलिटिकल सिस्टम और इवन अवर सो कॉल्ड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, दे हार्डली फॉलो एनीथिंग। दिस इज रीज़न वी आर हैविंग सो मच, जैसे हमारे टैंक्स लीक करते रहते हैं, हमारे पाइप्स लीक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लीक करते हैं। मैं जापान में था 3 महीने के लिए, जापान में एक बार नल जरा खुला रह गया था, शाम को आया तो मेरे पास $10 का फाइन लग चुका था कि आपने दिन भर आपका पानी बहता रहा है। इससे हमारे इतने टन गेहूँ पे हो सकता था। हमारे यहाँ वो जागृति नहीं है। हम लोग भाषण तो देते हैं, स्पीच भी देते हैं, सच पूछो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। कार्यक्रम में 2 टेक्निकल सेशन भी हुए, जिसमें सभी अतिथियों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। पानी को बचाने के लिए आज की जरूरत है कि हम सब मिलकर इस पर काम करें, क्योंकि पानी किसी एक का नहीं है, वो हम सबका है। अगर पानी नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी। अब हमें अपने लिए नहीं तो उनके लिए सोचना होगा, बचाना होगा धरा के इस पावन जल को, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं।